हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली टू हाइड्रोजन एटम? ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट कोड इज ओनली ए एंड बी, ए बी एंड डी, ए सी एंड डी, ऑल ऑफ देम। हमें बताना है कि किसमें ओनली टू डिग्री हाइड्रोजन एटम है। तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है बच्चों, दिस इज टू डिग्री हाइड्रोजन एटम, दिस इज टू डिग्री हाइड्रोजन एटम। नाउ अब देखिए ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, दिस इज ऑप्शन ए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा टू डिग्री हाइड्रोजन एटम के बारे में। सो हियर आवर की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट मीन्स किसको बेस लेके हमको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हो गया हमारा टू डिग्री हाइड्रोजन एटम। टू डिग्री हाइड्रोजन एटम इट मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद टू डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। ऐसा हाइड्रोजन डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। सेकेंडरी कार्बन इट मीन्स कार्बन कनेक्ट विद टू कार्बन। ये हो गया हमारा टू डिग्री कार्बन। इससे जो हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो कहलाएंगे हमारे टू डिग्री हाइड्रोजन एटम। अब देखिए इसमें दिस इज ए, कंपाउंड ए गिवन है, डबल बोन एंड डबल बोन। तो देखिए यहाँ पर जो बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो कंप्लीट होगी हमारी हाइड्रोजन से। यहाँ पर हो गया सी एच, दिस इज सी एच, दिस इज सी एच, सी एच, सी एच, सी एच, सी एच एंड सी एच। These all are two degree carbon. ये सब क्या है? टू डिग्री कार्बन। जहां जहां मैंने हाइड्रोजन लिखा है वो सब क्या है? टू डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है दिस इज थ्री डिग्री, दिस इज कार्बन थ्री डिग्री। ओनली टू कार्बन इसमें है जो थ्री डिग्री, पर थ्री डिग्री में देखिए कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सारी वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो रही है, दैट इज वाई इस फॉर्मूला में ओनली सारे जो हाइड्रोजन है दिस इज ओनली टू डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो कार्बन है दिस इज टू डिग्री, दिस कार्बन इज टू डिग्री, दिस कार्बन टू डिग्री, दिस कार्बन टू डिग्री, दिस कार्बन टू डिग्री, दिस कार्बन सेकेंडरी कार्बन, दिस कार्बन सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि डायरेक्टली कितने दो कार्बन से अटैच है। तो ए हो गया हमारा एक तो कि जिसमें क्या है ओनली टू डिग्री हाइड्रोजन एटम। अब बी की अगर हम बात करें तो बी में देखिए इस तरह से बी का स्ट्रक्चर है, इन दिस वे दिस वन। अब देखिए इसमें भी जो हाइड्रोजन है दिस कार्बन थ्री डिग्री, दिस कार्बन थ्री डिग्री, बाकी ये कार्बन है थ्री डिग्री का, ये कार्बन है थ्री डिग्री का, बाकी सब कार्बन है टू डिग्री, दिस ऑल टू डिग्री कार्बन। और यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है हाइड्रोजन सी एच, ये है हाइड्रोजन, सब जगह क्या है हाइड्रोजन, ये सारे कार्बन है टू डिग्री। और जो थ्री डिग्री है दो कार्बन है थ्री डिग्री, बट देयर इज नो हाइड्रोजन कनेक्ट विद थ्री डिग्री कार्बन, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या ऑलरेडी फोर कंप्लीट है। इट मीन्स इस पर भी जो भी हाइड्रोजन है सारे क्या है टू डिग्री, इट मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। अब अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में देखिए दिस इज तो ये जो कार्बन है हियर दिस कार्बन इज वन डिग्री कार्बन, दिस कार्बन इज वन डिग्री कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या है ओनली एक कार्बन से कनेक्टेड, दैट इज इट इज वन डिग्री कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है CH एंड CH3, इस कार्बन से जो अटैच है दीज ऑल आर वन डिग्री हाइड्रोजन, इट मीन्स इसमें वन डिग्री हाइड्रोजन भी है, बाकी तो टू डिग्री है, दिस इज टू डिग्री, दिस इज टू डिग्री, दिस इज टू डिग्री, बट हियर वन डिग्री हाइड्रोजन आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये हमारा हमें पूछा है ओनली टू डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो इट इज ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन डी में हम देखते हैं, सिमिलरली ऑप्शन डी में भी हम इसी तरह से देखेंगे, दिस इज CH2, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए यहां पर सारे कार्बन टू डिग्री हैं, ओनली दिस इज थ्री डिग्री, दिस इज थ्री डिग्री। तो थ्री डिग्री में देखिए हाइड्रोजन नहीं है, चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, दिस इज ऑल्सो टू डिग्री, दिस इज ऑल्सो टू डिग्री, बाकी सब टू डिग्री हैं।
और सबसे क्या है हाइड्रोजन कनेक्टेड, ये सब जो कार्बन है दीज आर टू डिग्री कार्बन। इट मीन्स यहाँ पर भी ये सब टू डिग्री कार्बन है, दीज ऑल आर टू डिग्री कार्बन, और यहाँ पर सबके पास क्या है एक हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पर सबके पास एक हाइड्रोजन है, तो दिस हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन कौन से हो जाएंगे टू डिग्री हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है दिस इज ऑल्सो टू डिग्री, तो टू डिग्री के पास भी हाइड्रोजन है। इट मीन्स यहाँ पर भी सारे क्या है ऑल हाइड्रोजन आर ओनली टू डिग्री हाइड्रोजन। इट मीन्स ऑप्शन डी भी सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया दिस इज ए बी एंड डी, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।